Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Waalaikumsalam. Welcome to Public Demo. सबको हमारी तरफ से बहुत 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 सारी कसके ईद मुबारक। आज छोटी ईद के मौका पर हम आपको देने जा रहे हैं बड़ा सरप्राइज। हमने एक ऐसी जोड़ी को बुलाया है आज जो पूरी दुनिया में ऐसे घूम रही है जैसे लोग गुजरांवाला में दही की तलाश में घूमते हैं। आज वो जोड़ी यहां पर आएगी और आपकी ईद को मजीद पर रौनक बना देगी। सो तशरीफ लाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पर्सनल फेवरेट सलीम अलबेला साहब और गोगा पसूरी साहब। एवरीवन जी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। जी बहुत अच्छा जी, सबको ईद मुबारक। जो भी मुबारक हमें देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी, तो उनको सबको ईद मुबारक, सदा खुश रहें। आमीन। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस अजीम जोड़ी की ईद वसूलियों में गुजर रही है या अदायगियों में? निजारी बात है, ईद जड़ी या वसूली दी भी आती दही दी भी आओ अजय ले रहे हैं तू वो देने वाली ईद आई नहीं अजय नहीं, चलो हम थोड़े मैच्योर हो गए हैं, लेकिन जब छोटे थे तो पापा से ईद लेना बड़ा अच्छा लगता था। पापा से? पापा ही कहते थे पापा। सच बताना, पापा ही कहते थे। अजय तिकर तुसी रस कहंदे, पापा नु पापा कहंदे। गोगे ध्यान नाल पापा कह, मेट्रो तो उतरो ना, सब तो पहलो तेरे वर्गा चिंची वाला हुंदा टांके पाले। अकील तू भी अज जुती ना पापा 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 वाली पाई। सलीम साहब तुसी भी चिट्टा पजामा पीला कुर्ता शो करन आए या तेल मेहंदी ते घोड़ी ने चाहण आए? घोड़ी दा मालक किड्डा खुश हो रहा। उत्तों नाल मेहमान केड़ा लै गया? तौबा मेरी गोगा, ते वेखो अन्नी गली दा कौंसलर हुंदा यार। ईद वाले दिन अज ते नाता, अज ते ना इंज। मैं पापा की बात बता रहा था, कोई जब ईदी वो बैठ के बताएंगे ना आराम से। सारा शो खड़े होके तो नहीं ना करना हमने। अच्छा, गोगे एदे बारे च ते मलकू साहब ने फरमाया है, नक दा गोगा मरन जोगा, लब लब थकियां लबदा नहीं। गोगे पे एक गाना और बना है, जानी कौन सा? अगला वहां पसरूरी नू। ओ पहले लगी है मेन क्लांट वाला ਤੁਹਾਡਾ? जी सलीम साहब, साडे मेन क्लांट वाले ने ते पैसे चुकन वाला भी ते तुसी नाल ल्यांदा है। 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕੋਈ ਕੱਢੇ ਤੇ ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ। ਜੇ ਕੋਈ 1000 ਦੀ ਵੇਲ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ 200 ਖੁਸਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਤੇ ਖਰੋ ਜਾਂਦਾ ਲਚੋਕ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਗੋਗੇ ਵਰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਿੰਗ ਮਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਗੋਗਾ ਜੀ, ਈਦ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਦ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਲੱਗਦਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨੇਦਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨਾਊਂਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਫਰੂਕ ਬੰਦਿਆਲ ਦੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਦੇ, ਗੋੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ, ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੱਚ ਰਿਹਾ। ਗੋਗਾ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟਣ ਗਿਆ, ਸਿਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਏ ਜਾਨੀ ਮੋਹਸਿਨ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਪੜ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਔਰ ਜੁਗਤੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੋਹਸਿਨ ਭਾਈ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ। ये दोनों आपको इसलिए बढ़ बढ़ के झुकते कर रहे हैं क्योंकि आपने इस बार ज़कात और फितराना किसी और को दे दिया। अच्छा, ज़्यादती हो मोहसिन भाई, चौधरी ना भी तो अकील है ना। अकील ना देते इन्नी गुरबत है। तोबा तोबा, एक आंडा ले आए घर पैसे पा के ते के उदे दुखों उदे नाल कैच कैच खेल दे। चौधरी जी, तुम खुद तो आते थे पब्लिक डिमांड में, आज बेवा बहन का बेटा भी ले आए, कौन है ये? मेरा फाइनेंशियल सेक्रेटरी है। अच्छा जी। आज ने करोड़ों रुपया लोगों को ईद दिन दिया देखे। अच्छा, इदा दा चौधरी ना सही चौधरी दे घर पल पुल जांदा।
अच्छा बाजी उन्दे सारे बैठे बंदे कहणगे चाह पका ला मूँह ना वड्डी ऐनक लाई ये वड्डी भैन कराची आई मेरी की बहन नहीं मैं हूँ चाहत अलबेला जवानी मेरी बिजली तूफान मेरा नफरा अच्छा सारी बिजली तो हाथ ना ही बना बेटा ना और तू दस्ताने पा के बना दी सह सही बन जानी तू है तेरा ना है चाहत मलोक ओका भाई वैसे तो पूरे मोहल्ले की मुखालफत के बावजूद आप ईदगाह जरूर गए होंगे मुखालफत तेरी केड़ी गल होती है नहीं ईदगाह चला सी लोगों ने कहा भाई इत्थे खलो नमाज पढ़ के सारे बाहर ही आना ये देखिए ये तो सब आपसे मजाक कर रहे हैं मैं आपसे सीरियस सवाल करना चाहता हूँ आपके ईद के दिन क्या एक्टिविटीज होती है ये बाह इंज करके ना तो खलोता रहना सामने जो ईद दे हाथ ही होती है अली भाई आर्टिस्ट और लड़कियां बिलखसूस ईद की शॉपिंग 10 दिन पहले शुरू करते हैं लेकिन ईद का दिन सोकर गुजार देते हैं आप भी उसी कैटेगरी में तो नहीं आते ना नहीं नहीं हम सुबह उठते हैं ईद पढ़ते हैं नमाज वगैरह और उसके बाद वाकई सो जाते हैं सलीम भाई आपको इस ईद पर स्पेशल मुबारकबाद है क्योंकि इस ईद पर आप अपनी फिल्म में एज हीरो लॉन्च होने जा रहे हैं तालियां बजाओ बात करो जरा कैसा महसूस कर रहे हैं हीरो बनने के बाद पहली ईद देख रहे हैं आप बस मैं हीरो बनने तो बाद पहली ईद देख रहे हैं अगली घरे देखनी है तालियां देखो अल्लाह ताली जिंदगी करे तुसी जो मर्जी अपने आप तो गोगे नु वार के सुट सकते सुटना गाली तो ड्रेस दे पहुंचा देंगे सलीम भाई जरा अपनी आने वाली फिल्म के ट्रेलर को बयान कीजिए सुनाइए हमें ये बताइए फिल्म का नाम क्या है हीरोइन कौन है कितना हक महर लिखा है मिलनी दे खेस मिले कि नहीं मिले जादी नु गोश्त छोटा खवाया के बड़ा खवाया दसो ए गल्ला ते कुड़ी दा प्यो करदा हुंदा असल में फिल्म का नाम डॉलर्स है तो अमेरिका में सारी शूट हुई है तो उसमें जो पैसे लगा रहा वो हीरो था और मैं था ललिता इंडियन एक एक्टर बड़ी अच्छी है वो थी सपना जवाद वसीम साहब और मैं पाकिस्तान से थे तो बाकी फिल्म अच्छी है कॉमेडी फिल्म है सर ये बताएं गोगा जी का फिल्म में क्या रोल है कहीं वही रोल तो नहीं है जो पीपल्स पार्टी में चौधरी एतजाज अहसन साहब का है नहीं असल में गोगा जी का वीजा नहीं लगा था क्योंकि इन्हें वीजे को हाथ लाते गोगर मैं जा रहे हैं जून में इंशाल्लाह ताला कनाडा फिल्म करने के लिए हाँ जो चढ़दा पंजाब से लहंदा पंजाब कट्ठा होएगा उस्ताद जी हमारे प्रोग्राम पब्लिक डिमांड की एक रीत है कि हम गाए बिना बैठते नहीं हाँ बिल्कुल तो जब आप तशरीफ लाए हैं तो गाना आप गाइए तालियां गोगा जी पीटते हैं तो वेला चौधरी लुटेगा ये तो घाटे का ही फंक्शन फाड़ लिया जैसे ईद है तो ईद के मौके पर थोड़ा सा जी प्लीज प्लीज ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए रस में दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है अज अगर चौधरी श्रीमद बेला अंतरा भी सुना ना तो मैं दरहम दिनार डॉलर यूरो पाउंड सब कुछ लुटा दे बंदा पूरी गजल सुन के कहता जा मैं असल चला सा तरीक दे तो पैसे गारी पे अच्छा लैजेंड कुमार वाले वेखो लगता गोगे का रिश्ता ला गया है या एक सेकंड का रहा अज ते दो रूड़िया की सुनी गई वो मन भी गया जिवें फैमिली नाल ही आया बालू छड़ दे शॉर्ट सर्किट ना कुछ भी हो सकता अजय एहो जी लव वाली जोड़ी ना इन्हों का पॉइंट होंगे रूड़ी तो मिलने अज तुम ना उत्थे कुकड़ों वाला जड़ा नहीं कुकड़ा वाला कुकड़ा नहीं गड्डी वो खाई इनकी टीचिंग पॉइंट पता क्या होती है क्या बाकायदा अस्पताल वहाँ से फोन करते हैं आ जाओ दादा को हार्ट अटैक आया है उन्हें भी देख लेना मुझे भी देख लेना तुम म्यू हॉस्पिटल च यूज सिंजा नहीं कट्ठिया करते
मैं खिदमत खलक भी करती। अच्छा इस जाब का तू प्रपोज करन लग्या नहीं सी दसिया? नहीं सी दसिया। हूँ तुसी केड़ा मियां मनछा निकल आए? कर लो शादी, जब तुम्हारी औलाद होगी ना उचित कबरी होगी और पैदा होते ही पंखे पर चढ़ जाएगी। एहो जी औरत ना चांद रात वाले दिन गोट निकल जाता है। आ चूड़ियां चढ़ाने गई से मेहंदी लुहाड़ी। गोगी आप मुझे छीले से पहले घर ना भेजना। यार तू केड़े एम ना शादी कर रही है? छीले अगर तुम्हें छीले छिलाए दे दे वो नहीं ठीक। और गोगन मुंह खर्च की देगा क्या कोले वाली स्त्री? चौरी जिन्ना तेरा वजन है ना एक लत होर लवा ला मेहरबानी तेरी। एहो जा चौरी डेरे दे सिर्फ ढगे नाल सम दुख सुख फोर रहा हुंदा। आ वेख ला हुण मामे दे मुंडे ने पहले फैर मारया ही मैनू। उस्ताद जी इससे पहले के लोगों को लगे कि हम सब आपसे ईदी लेने खड़े हैं यहां पर आइए तशरीफ रखिए। सलीम भाई फिल्म की शूटिंग न्यूयॉर्क में हुई, वॉशिंगटन में हुई, वर्जीनिया में हुई, गुनाहों के शहर लॉस वेगास में भी हुई। सर ये बताएं कितने गुनाह करके हैं? नहीं गुनाहों की बस्ती नहीं है, वैसे तो उन्होंने तो जन्नत बनाई हुई है उन्होंने, क्योंकि सब लोग ही बड़े प्यार करते हैं वहाँ पे, एक दूसरे के साथ इखलाक से मोहब्बत से पेश आते हैं, मतलब डिसिप्लिन है इंसानियत का वहाँ पे मैंने देखा। आप बताएं ना, आप ही तो बाहर गए थे घूमने फिरने, गोरियां देख के पागल हो गए थे या उन्होंने पागल कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ खास नहीं, मेरा पागल होना तो जहाज तो ही शुरू हो गया थी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम ही जहाज नू देखिया ते एयरपोर्ट। लेकिन सिडनी मैनू बहुत अच्छा लग्या ना, ये उत्ते चढ़ के ना जहाज से तो जा रहे हैं तो मैनू यही पूछी जा रहे कि जहाज का सलंसर कितने होंगे भी तू भाफ लैनी वो यार चुप करके वो ट्राली नहीं आती खाने वाली जिद करके कहना मैं इतने झूठे लैने मरे अंदर खाण पीण वाली चीज़ा ने और मिठाई लैके जहाज च वड़ गया कहना मैं पायलट का शिगिरद होना। ठंड लगी एयर होस्टल नूं कहिंदा मैं दो कंबल लैने, एक मैं उत्ते लैना एक मैं जाण लग्या नाल लै जाणा। हैडफोन लाया उहने कहा गाने सुनो, कहिंदा नहीं मैं इत्थे घर गल करनी। जहाज च गर्मी लगी ते कमीज ला के कहिंदा मैनूं छाते पाओ। यार इन्ना कुछ ते किया ही नहीं मैं जिन्ना मेरे ते पाता वा, लेकिन इंजॉय किया मैं। सलीम भाई हमारा एक बड़ा खूबसूरत कल्चर है ईद मिलने का, है ना, दोस्तों से अहबाब से, जाहिर है। तो आप पुराने दोस्तों से ईद मिलते हैं या नंबर ब्लॉक करते थे? नहीं नहीं मैंने कभी भी नंबर ब्लॉक नहीं किया, पुराने दोस्तों एक बिला तकल्लुफ दोस्त होते हैं वो तो ईद वाले दिन पहली गाली यहो जी कटते हैं। अली भाई आप आगा माजिद साहब को ईदी देते हैं या उनसे लेते हैं? आगा साहब बड़े मतलब खूबसूरत इंसान है, मतलब घर च उन्होंने अपना बड़ा वसी दस्तरखान बनाया है कि जिनी देर चार बंदे नहीं आते वो खाना नहीं खाता, क्योंकि हाथ छोटे ने सालन तक पहुँचता ही नहीं होता। खाने का बहुत शौकीन है वो। नहीं वाकई खाना बहुत अच्छा बनाता है, कुकिंग करता है, दोस्तों को खिला के खुश होता है। बहुत सी ईदें हमने जो स्ट्रगल दौर था हमारा हमने घर में की नहीं, तो ईद वाले दिन लोग घर में आते थे और हम बैग उठा के कभी फैसलाबाद कभी सादकाबाद कभी चीचा वतनी, हम सारी ईदें हमारी तकरीबन बाहर ही निकली हैं, देश में गुजर गई। ये तकरीबन 8-10 साल ही हुए हैं जी जी, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक सेटल बनाया तो बच्चों में हम होते हैं। सलीम भाई गोगा भाई कम से कम कितनी और ज्यादा से ज्यादा कितनी ईदी इकट्ठी होती है आपके पास? अब तो हरून भाई हमें ईदी देते हैं, हमारे जो एंकर हैं 5 लाख रुपया हमारे अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देते हैं ईदी, झूठ नहीं बोलता। अच्छा ये तो अब की बात है, बचपन में आपको सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली? बचपन में यही था, हमें 2 रुपए मिलते थे, फिर जो तो परौने ने आ जाना उधर दुआले फिर ही जाना है ये भी कुछ ना कुछ देगा, बल्कि वो बोतल वाली वेखी जाना भी ये हूँ पूरी पिएगा। गरीबा के बच्चे ऐसे होते ना तुम पता, फिर वो कल्चर ही है साढ़े घर का, तो परौना कहना था वो आया तुम ही पियो। आप बताइए ना बचपन भाई दिंदे सी ईद किन्नी को, मतलब है नहीं अंदाजा नहीं, ज्यादा से ज्यादा कम से कम कितनी? नहीं वो बस कहते ATM ले जाओ जिन्ने भाजी सौ ATM फट के इन्होंने दुआले हो जाते। नहीं वैसे किन्नी 5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए एक लिमिट होती है? नहीं साडा सीजन 5 रुपए वाला तो नहीं सी है। अच्छा? बहुत मतलब हुणे ही होया
लेकिन बचपन में आपको कितने पैसे मिलते थे? एग्जैक्टली 50-100 बस। वो तू मुगलों का मुंडा, अशरफिया मिलती थी आपको, क्या है आप? तेनू 2000 मिलता सी गोगे, तेनू ते इनू तोल के बेचिए ते 350 नहीं मिलना। तेनू 2000 मिलता, तेरा अब्बा तेनू 1 रुपया दे के कहंदा सी बकाया ध्यान ना ल्याउणा ही। यानी ईदी तो हमें हुआ करती थी। अच्छा, मीना कुमारी अपना 9 लखा हार हमें ईदी में देती थी। और अमराव ने हमारे सियासी अखराजात उठा रखे थे जानी। अच्छा। पार्वती हमें अपना पंजागला ईदी के तौर पे दिया करती थी। क्यों ये तुसी अपाहज सी? सारे ताड़ी मदद कर दे, कंध बन रही सी ताड़ी। अलीम जानी, तुम्हें क्या मालूम कि सबसे महंगा तोहफा तो हमें राखी सावंत ने दिया था। रियली? वो क्या देती थी? राखी सावंत हमें गहना दिया करती थी। उन्होंने पंगूड़े लाए होंगे। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा, मैं नागन तू पसेरा। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू, मैं नागन तू सपेरा। एहो जी नागन ना चाह दे कप च डंग मार के मुंह सड़ा लेंदे। आज आपके रूबरू हैं सलीम अलबेला साहब। जा चाह जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं तो अपनी जिंदगी जी लूंगी, लेकिन इन्हें दी बर्बाद हो जानी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप सलीम अलबेला साहब के लिए और गोगा पसरूरी साहब के लिए क्या तोहफा लाई है ईद पर? अपनी मोहब्बतों के लिए मैं ये तोहफा लाई हूं। क्या हुसन मुखड़े तो, हुसन मुखड़े तो लाके नकाब आ गया, नजर पथरा के रह गई, दिला दे बिजली कड़कड़ नजर पथरा के रह गई, दिला दे बिजली पै गई, चाल चलता गजब दी शबाब आ गया, सुनने वालों को ईद मुबारक। सलीम भाई। जी भाई। अब जो फिल्म आप कर रहे हैं उसका थोड़ा सा पस मंजर बताइए, हमें कैसे मिली? आप उस फिल्म के लिए फर्स्ट चॉइस थे, नहीं थे? असल में मैं तो इधर ही काम कर रहा था, तो वहां पे जो प्रोड्यूसर है उन्होंने कहा कि ये बंदा मुझे चाहिए फिल्म में। वाह। मैं कहा कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं। वीजे मैं कहा अमेरिका का नहीं लगा, बाकी सारे लगे हुए। फिर उन्होंने जो भी मुझसे मांगा मैंने भेज दिया, उनको आ गया मुझे वो उनका फोन, अम्बेसी से आप टाइम ले तो जाके। फिर इस्लामाबाद टाइम नहीं मिलता, फिर कराची गया। ओ, अच्छा। कोई मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। यार तेनू वीजे लगन की डिटेल नहीं पूछी, वीजा किदा लवाई दा, ये नहीं पूछा। ये दस भी फिल्म अमेरिका में कुत्ते बह के जाना सी। अमरीका की गल हो तू शदरे जाना हो, तेरी 6 दफा तलाशी होंगी है। घर जाए दी 3 बारी होंगी है, बहुती मैल तो नहीं ना। अच्छा वैसे ये बड़े कमाल की बात है कि जिस उम्र में आप हैं उसमें बर्रे सगीर के पहले ऑर्गेनिक स्टार राजेश खन्ना साहब को भी फिल्में मिलना बंद हो गई थी। सर आपको एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं। खन्ना साहब की तो क्या बात है, क्या फिर उनके पे सर तानू राजेश खन्ना नहीं कह रहे, वो उम्र दे हिसाब ना लिंक कर रहे, तानू ये पूछ रहे। मैं उधर आना ही नहीं, चुप कर गोगे तू, मेरे ना के उन्हां नाल दूर क्यों जाते हो मोहसिन? इस उम्र में तो हमें कैरेक्टर रोल मिलना शुरू हो गए थे। और नॉन टेक्निकल लोगो, और इस बात का आपको साइंटिफिक एस्पेक्ट तो पता ही नहीं। वो चौधरी सलीम अलबेला को कुदरत ने
बीमार रख रख के फजी की ऐसी दी है कि VFX की जरूरत ही नहीं। चौरी जो तू जोर की गल करना तेरिया लत्त इंजन होंदिया थे तो मेरा जो तापमान है हाई रहता है और वैसे भी हम चौधरी 24 घंटे घोड़ों की सवारी करते हैं। अच्छा बड़े बड़े चौधरी असी देखे हैं जेदी दो मरले जगह भी है ना वो भी खुस्से ना जराबा नहीं पाउंदा। बाकी गल्लां ते सारियां ठीक ने लेकिन सलीम साहब हीरवन नूं बाहां ते चुकन वाला सीन नहीं कर सकते। मैं कहे कदी ट्राई करा लो। डायरेक्टर अगर स्मार्ट हो ना तो ये सीन भी हो सकता है। कैसे? मुझे सलीम अलबेला का बॉडी डबल रख ले। बात सुन चौधरी, तू सिर्फ हाथी की लाश का बॉडी डबल हो सकता है। अरे उनको देखो कितने स्मार्ट है, आप कहां से उनके बन गए बॉडी डबल। चोर साहब तुसी फिल्म दीयां गल्लां ना करो, चुप करके अपनी जिम्मेदारी करो, उथे जिहड़ी मरला की जमीन है उस फिरो तुरो वो फिर तुर के पदरी कर दियो। सलीम भाई ठरकपन में सॉरी लड़कपन में जो नहीं पहले क्या था लड़कपन जो ईदी इकट्ठी होती थी उससे आप कौन कौन सी फिल्में देखा करते थे? फिल्में उस वक्त अरूज था फिल्मों का, एंटरटेनमेंट यही थी। सही, तो जितने भी सिनेमे थे सब में पहले पोस्टर देखते थे, है ना। पोस्टर तो अंदाजा लगता था कि फिल्म है वधिया होगी, लेकिन अंदरों फिर जिस तरह से भी होती तो हाफ टाइम ब्रेक जब होती थी ना बाहर आके फिर पोस्टर देखते, हाँ यह सीन निकल गया, यह रहा अजे, वाह भी रहा अजे, टैली करते यार वाह। क्योंकि भाई आप देखते थे फिल्में में से किन की फिल्में देखते थे? लाला सुधीर की फिल्में देखते थे, वही बुरा साहब की फिल्में देखते थे, वो एदा ताया गाला करदा ही घर च वो फिल्म लगती ही यकीन कर के वो मल्ले वाले देखते थे। ये अभी मॉडर्न ब्रांडों का नाम लेगा। अच्छा जी, हां नहीं वो फिल्मा जदों असी होश संभाली आ उदों फिल्मां रैंबो साहब दियां चलदियां सी। हैं 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 की ਉਹ ਹੈ 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 ਕੀ ਸ਼ਾਟ ਪੈ ਗਈ ਤੈਨੂੰ? ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਰੈਂਬੋ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲਾ ਇਧਰ ਵਾਲਾ? ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ। ਮਾਈ ਨੇਮ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੰਬੀਨੋ ਸਿਨੇਮਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਨਾ ਹੀ। ਸੌਕੜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ, ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣੀਆਂ, ਹਮੇ ਬੜੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਤੇ ਥੇ, ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਅਰੇਬੀਆ, ਇਨਡੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ। ਇਨਡੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਥੀ ਮੋਟੇ, ਔਰ ਇਵਲ ਡੈਡ बड़े जागीरदार साहब की बायोग्राफी थी। नहीं उसे फिर इवल डेड नहीं इवल डैड होना चाहिए था। जय हो जय चौरी दे कमरे जी लिखे होगा यहाँ फजूल बैठना मना है। ना है मेरा कमरा है या हमाम है जिथे एक कौले दरी लिखे होंदा। गोगा जी आप इतने मशहूर हैं लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि गूगल ने आपका डाटा अपडेट नहीं किया अब तक। गूगल च नहीं तो दल च मिलेगा। तो आज हम इस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं, आप हमें बताइए कि आप कितने बहन भाई? चार भाई हैं असी, एक सिस्टर। आपका नंबर कौन सा? मेरा छोटा साहब नो मैं कार्ज। लास्ट नंबर है जी, एंड फिर यही होता जी। छोटा भरा नहीं मैं, मतलब छोटे बच्चे ना ज्यादा मोहब्बत होती है। डोमिसाइल कहाँ का है आपका? फैसलाबाद। घर को थाना कौन सा लगता है? गुलाम हमदा। वो परचा ही ना करा दे दसी तू भी दसी जाने किड्डा शरीफ फनकार है यार। इन्हों के इलाके डाकखाना है ही कोई नहीं, कबूतर ही आते ने। कबूतर मरण लग पे फिर कुत्ते आने लग पे। मैट्रिक किस सन में किया आपने? कबले मसीह। मैट्रिक के तो नलायक सीगा, वो मास्टर ने डरना ही इन्हू क्या तू पास है यार, तू कल तो आना नहीं है। इसने पास किया मैट्रिक हॉरन दे के, जल्दी में था ना। तुसी लखनऊ दे विच सपारियां कट्टण वाली मशीन नहीं भेजते? पूरी दुनिया ते। लेकिन पहले जिधर हुंदा सी ना मोहसिन भाई जवाब, जिधर जाना जवाब, मैनू कहिंदा उस्ताद जी चलो नाल मेरे, मैं चला गया। मैं क्या कितने गल बनी, कहिंदा हाँ हाँ वेखण चले आ। ते राज जी मैं क्या तू कुछ मठियाई वगैरह ते ले ला, ते कहिंदा उस्ताद जी की लवां, मैं कह उन्होंने कहा 2 किलो जवाब जामन दे दियो। निकाह के वक्त आपकी उम्र क्या थी
और निकाह नामे पे लिखवाई क्या थी? नहीं, मैं आईडी कार्ड ते ते हवाले ना मेरी काफी एज आ, क्योंकि उदो बनदा ही नहीं सी आईडी कार्ड जदों मैं बनाया। ओ इने इंडिया चो ही बनवा लिया सी। उदे ते ज्यादा क्यों यार, वो नौकरी नहीं सी लभदी ना, इस करके फिर वो ज्यादा एज करवा के फिर बनवाया। ते वाल फिकर ना उड़े तेरे? नहीं, ये तो वैसे जेनेटिकली है साढ़े। अंग्रेजी वाला निकाह नामा बनवा लिया आपने? हाँ जी, हाँ जी। सारी बात है, तो फॉरन जाना होता फिर उस वास्ते रिक्वायरमेंट उन्होंने पूरी करनी हो भी है। कैसा फर फर बोल रहे हैं ना, जी देख रहे हैं आप। बेफॉर्म कहाँ से हासिल किया आपने? और मैं आपको बताऊं कि जब हम जा रहे थे ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया, तो यार बायोग्राफी मेरी पूछो, तू जब जहाँ जा रहे थे ना। नहीं, ये मुलाजिम है ना गवर्नमेंट का, तो रिटायर तो हो चुका था, लेकिन इसके पास कोई प्रूफ लेटर नहीं था। तो जब कराची से हमने इंटरनेशनल ट्रैवल करना था, तो इमिग्रेशन पे इसको पकड़ लिया। उनका तुम तो सरकारी मुलाजम हो, तुसी उथों को जासनामा लिया, तू किधर जा रहे हैं? Exactly. तू इधर आ जा। ओए एदा रंग ऐ ही सीगा, उड्डिया तो नहीं। ते ए मैनू कवे उस्ताद जी एदे पसीने, मैं कहा तू उन्हां नू लैटर दे जा, कोई तेरे को है? उन्होंने कहा जी मैं रिटायरमेंट है मेरी, मैं जा रहा। उन्होंने कहा नहीं जी, वो डेढ़ घंटा यकीन उत्थे बहाता सानू उन्होंने। एदी वजह तो फिर एक अफीसर आई, अल्लाह दा भला करे, इन्हें कह जी यह देख ले, बल्कि इन्हें एक लैटर घरों मंगा लिया सी, तू वट्सएप उन्होंने दिखाया, वो इनू वेख के कहती इनू कल ही रोकया जे, जा जा छट पाकिस्तान चल। इस हवाले ने नहीं यार किया सी, बड़ी अच्छी अफीसर सी। अच्छा। वैसे उन्हें रूटीन दे जिस तरह के पाकिस्तान के हालात आ, तो उन्होंने मैं नोटिफिकेशन दिखाई, कहती जो इतने पाकिस्तान च की रखिया, जा मेरे भरा। ओए होए, चलो जी, नहीं सब कुछ पाकिस्तान च ही है। बेशक ये मुल्क हमारा मुल्क पाकिस्तान, रिस्पेक्ट इज्जत सानू पाकिस्तान ने दी थी, इज्जत हर चीज। तो क्या भाई, मोहब्बत कितनी बार हुई आपको और दिल कितनी बार टूटा? दिल एक बारी, लत्तां कितनी बारी टूटियां ने? ओ नहीं यार, लत्तां नहीं, मैं जड़ी गल दसदा वा भी प्यार दे बारे जड़ी लोगों की राय ना, भी इन्नी जी एक दफा ही हुंदा वा। बड़े सारे लोग कहिंदे प्यार तुहानू काफ़ी बार हो सकता वा, प्यार की कोई लिमिट नहीं आई, लेकिन मैनू अलहमदुल्ला एक बार ही होया, तो उदे नाल मेरी शादी हो गई। मेरा ख्याल मेरे लिए काफ़ी है, इन्ना ही बस। अगे तो नहीं करेगा इस तरह? अगे तो नहीं करेगा भाई। ए देखो घड़ी, यहाँ एक घड़ी रंग छड़ रही है, गोगे तू छड़ रहे हैं। आग लगे उस गूगल को, टैलेंट के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा। मैं गूगल खरीदने का ऐलान करता हूँ, और गूगल खरीदने के बाद मैं गूगल का नाम गूगल नहीं गोगा रखूंगा। पहले होने तुसी गूगल खरीदे, पहले तो गोबर नहीं खरीदते थे। अच्छा, इतने चौधरी बने हैं, पिछे बच्चे ईद ते पंगूड़े ला के गुजारा कर रहे हैं। अब मेरे बच्चे असल में पंगूड़े इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आगे चल के मैंने उन्हें डिज्नीलैंड खरीद कर देना। वाह 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 वाह। और उसी डिज्नीलैंड में बंदर बन के सौरे भी जाया करेगा। बंदर सौरे नहीं जाता, फिर सौरे जाके बंदर बन जाता है। क्यों सर चौधरी? यार अपनी ही गल्ला करी जांदे, देखो चौरी गड़ गया या नहीं अजे? अजे नहीं, अजे नहीं। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। ओके भाई, अब ईद के इस मौके पर मैं कुछ शख्सियात के नाम लूंगा और आपने उन्हें अपने अपने अंदाज में ईदी देनी। मरियम नवाज साहबा नई नवेली वजीर आला हैं, कुछ अता कीजिए उनको। मैं सजेशन दवांगा कि वो वेलफेयर दे ज्यादा काम करन। ओ गोगे बाजी मरियम नू मेरे लो ईद दे आ ते अपने लो ले आ। मियां नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ को तो ईद बनती है क्योंकि घर वेले बैठे ने। आए, आए। मैं मियां साहब को ईद लेनी सी, लेकिन वो लंडन सी, हूँ इतने आए ने तो मैं गया वा, कहना काका नवी नवी हुकूमत बनी आ, तो सारे हालात तेरे सामने ही आ, अगली ईद ते आई। मियाँ साहब को म्यूजिकल ईदी दें। मियाँ साहब मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत अच्छा सुनते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं, उनको ईदी मैं यही दे सकता हूँ। कोई भी हसीना जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है, कोई भी हसीना जब रूठ जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। ओके, गजल गायक उस्ताद गुलाम अली खान साहब, उनको तो सारी जिंदगी हम ईद दें तो वो थोड़ी है। वाह 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 वाह, जितना काम उन्होंने किया है वो
उस्तादों में शुमार हैं। बेशक बेशक, और पाकिस्तान का फखर है। बेशक होगा जी, आप इतने उन्हां कोलों लै आउंदे ने बड़े लेजेंड लोग ने, ईदी ते मैं उन्हां कोलों लैनी है। लिखो जी उस्तादां दे उस्ताद आ, ईद ते उन्हां को असीं लैनी है, लेकिन नजर उन्हां दी बणदी है। वाह वाह वाह, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। इहो जिहा ईद लै के भाई नजर नहीं आउंदा हुंदा। गुलाम अली साहब तो क्या बात है जी, उनका थोड़ा सा ईद के हवाले से मैं थोड़ा सा डेडिकेट करना चाहिए जी वड्डे लोग। सोनिया ओए मुख तेरा सजरी सवेरे, सोनिया ओए मुख तेरा सजरी सवेरे, किड़ पिया जानना सोनिया वे मुख तेरा सजरी सवेरे। बहुत बढ़िया उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब। राहत फतेह अली खान साहब तो क्या बात है जी, इस वक्त ओनली वन है वो पाकिस्तान के। गोगे दी जरा मौसीकी सुर बड़े कमजोर ने, मैं कहना कि इन्हों ना उन्होंने शिगिरदी चबा दें गोगे, लेकिन तुसी ना उन्हां को बखरा नहीं मंगना। नहीं इन्ने वड्डे लोगों का शगिर्द हो जाना ही बड़ी गल है, मैं बखरा क्यों मंगना, वो आप देन। मैं गया सी राहत साहब को, मैं कहा जी शगिर्द करना, उन्होंने इन्हू हाथ ला के कह जी लै जो। जा रहे वो पूरी कौम को इंटरटेन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम वैसे ही उनको एक ट्रिब्यूट ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ तेरे नैना बड़े दगाबाज रे, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे, दगाबाज रे हाय, दगाबाज रे हाय, तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। अरे क्या बात है सर, आगा वाजिद साहब को क्या ईदी देंगे? उनके लिए तो मेहंदी हसन को, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, और किसी को गा नहीं सकते। मेहंदी हसन के बहुत अच्छे वो फॉलोअर कह लो, फॉलोअर फैन है वो बड़े, मतदान है उनके। तो दो बोल मेहंदी हसन साहब के आगा वाजिद साहब को भी डेडिकेट कर देते हैं। जी जी क्यों नहीं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, जिंदगी में तो सब प्यार किया करते हैं। कॉमेडियंस के मार्लन ब्रांडो सुहेल अहमद साहब को क्या ईदी देंगे आप? मैं तो कहता हूं कि जो भी मेरे पास है आज उनका ही है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अमानुल्लाह साहब, सुहेल साहब, बबू बराल साहब, मस्ताना साहब, ये लेजेंड है जिन्होंने हमें ये ग्राउंड दी। बिल्कुल, तो वहाँ आके हमने ये इनसे काम भी सीखा, जीना भी सीखा। तो उनको भी कुछ गुनगुना दिया जाए उनके। लाई बेकदरा नाल यारी ते टूटी गई धड़क करके, बल्ले बल्ले बे टूटी गई धड़क करके, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूटी गई धड़क करके, बल्ले बल्ले बे टूटी गई धड़क करके। दियो चौरी, दियो चौरी दा जो बनदा है। कलीम भाई अब पब्लिक डिमांड की पूरी टीम को क्या ईदी देंगे आप? ताज सरवर मीर साहब भी नाल ही ने। yes! सबको मैं ये सबको एक सॉन्ग है मेरा, उसके जरिए आप सब लोगों को ईदी दूंगा। और मैं बताता चलूं वो गाना आज पहली बार पब्लिक डिमांड के प्लेटफॉर्म से रिलीज होने जा रहा है एक्सक्लूसिवली। तो आए आप सब मेरे साथ। ढोला सामलाए साडा ता ढोला सामलाए साडा ता ढोला सामलाए साडा ता ढोला सामलाए। वो
ਸੰਮੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਫਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਏ ਦਿਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਢੋਲਾ ਸੰਮੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਜਗ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਢੋਲਾ ਸਾਂਭਣਾ सलीम जानी हमारी दुआ है तुम्हारा ये सॉन्ग एपिक सॉन्ग बन जाए एपिक सॉन्ग बन जाए और ये सॉन्ग मुझ पर पिक्चराइज हो और साथ हीरोइन हो दीपिका पादुकोण चौधरी ये ताड़े ते पिक्चराइज होएगा कि सानू जगह नहीं सिलावे ताड़े पिंडे ते नहीं जगह है एपिक सॉन्ग तो ये चले बन जाएगा फॉर श्योर इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन ढोला सांवला क्यों बाकी कहां जाए हाँ ये भी गल है मेरे क्यों है बाहर मेरे ना रहा ना मेरा ख्याल है इनू अगे रख के लिखे नहीं इनू अगे रख इन तो मैं पिछे रखे सी खरे कि अगे आ गया यह बंदा कंघी वेख के रो देंगे तो भाई मेरे ते इन्वेस्टमेंट हो चुकी है मैं दूल्हा बन चुके हाँ अच्छा हूँ क्यों रिश्ते तो मुकरन डे हैं नहीं मैं नहीं मुकरदा मैं तेरी दुल्हन सवा ना माज के लैके आऊँ अर्ज किया है मैं दुल्हन हूँ किसी और की मुझ पे थूकता कोई और है बस मैं आखिरी दफा कह रही हूँ मैं दुल्हन हूँ किसी और की मुझे तलाकता कोई और है तलाकता बहुत बढ़िया सही भाई ये ईदी तो आपने दे दी हम सबको जी अब अवाम की भी तो नुमाइंदगी करनी है बिल्कुल, उनको बिल्कुल। भी तो ईदी देनी है उनके मसाइल को भी तो उजागर करना है तो आइए मिलकर अवाम को ईदी देते हैं पब्लिक डिमांड की ओके ओके माए नी माए साड़ी ईदा दे नैना बिच गुरबत दी रड़क पवे गैस पानी वाले बिल जो देने पे ईद फेर ईद ना रवे माए नी माए पछता ना धंधे आज दिन थोड़ी आमदनी दे पकी भी ना जेब च रवे ਜਦੋਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਵੇ ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਰੜਕ
पवे पत्ती गैस पानी वाले बिल जदों देने पहले ईद फेर ईद ना रवे